आज शहदा कारसाज का उनकी बरसी है और शहदा कारसाज को उनकी बरसी की मुनासबत से खराज अकीदत पेश करता हूँ। आज ही के दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एब्रॉड से वतन तशरीफ लाई थी और फिर एक टेररिस्ट अटैक में उनके बहुत सारे जियाले वो शहीद हो गए थे। और आज ही के दिन शहदा कारसाज के शहादत के दिन प्रोग्रेसिव डुबोव मूवमेंट के जो कायदीन हैं, जो मुल्क में तरक्की का एक माहौल है उसको डुबोने के लिए आज ही के दिन को क्यों उन्होंने चुना। देखिए, मैंने 1 अक्टूबर को आप जनाब के साथ, आप साफी भाइयों के साथ यहीं पर प्रेस ब्रीफिंग में मैंने कहा कि जब उन्होंने 11 अक्टूबर को अपना पहला जलसा क्वेटा में कंडक्ट करने का फैसला किया तो 1 अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर से 10 रोज़ कबल मैंने कहा था कि ये जो जमातें हैं पीडीएम के, ये कोई बड़ा जलसा मुनक्किद करने की पोजीशन में नहीं है। अवाम उनसे मुतनफ़िर हैं, अवाम उनके साथ नहीं है, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स उनके साथ नहीं हैं, लिहाजा वो जलसे से भाग रहे हैं। चूंकि वो पंजाब में जलसा करने की पोजीशन में नहीं थे, वो सिंध में पोजीशन में नहीं थे उस वक़्त, केपी में नहीं थे, आज भी नहीं है, और उन्होंने हमारे किसी बलूचिस्तान के यहाँ के एक जमात ने, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, चूँकि उनकी जमात वो इलेक्शन में मुस्तरद किए जा चुके, उनका वर्कर उनसे मुतनफ़िर हुआ, पब्लिक में उनकी पजीराई नहीं रही, तो अपने पार्टी को रिवाइव करने के लिए APDM के पिच को, प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया था कि क्वेटा ही में जलसा कर लें। और मैंने कहा था कि हमारा जो है आवाम के नब्ज पे हाथ है और हमें मालूम है कि क्वेटा में APDM का कोई जलसा कामयाब नहीं हो सकता। और फिर इन्होंने 18 अक्टूबर का डेट दिया और फिर मैंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि ये जलसों से भाग रहे हैं, आवाम इनके साथ नहीं है, इनको अपने वर्कर्स ने ये मैसेज कन्वे कर लिया है कि यहाँ पे जलसा मुनक्किद करना इस मरहले पे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर इन्होंने आगे 25 अक्टूबर बढ़ाया और 18 अक्टूबर का जब इन्होंने तारीख तय किया तो उस वक़्त PDM की क्यादत के माबेन एक इख्तलाफ़ राय सामने आना शुरू हुआ कि 18 अक्टूबर चूंकि शहदा कारसाज का बरसी का दिन है, बदनीयती की बुनियाद पे इस दिन को चुना गया है। और ये बात तय है, ये बात आज साबित हो रहा है कि आज शहदा कारसाज के बरसी के मौके पे ये आवाम को जमा करना चाह रहे हैं। हालांकि ये बात तय है कि आज शहदा कारसाज की जो बरसी है उसमें पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वर्साल वो निकल आते हैं, वो उन शहदा को खिराज अकीदत पेश करने आएंगे, वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खिराज अकीदत पेश करने आएंगे, वो PDM के एजेंडे के तहत आज जलसे में नहीं आ रहे। जो बॉटम लाइन है उसको समझने की ज़रूरत है कि आज जो कुछ वर्कर्स आएंगे वो उससे रोज़ की मुनासबत से आ रहे हैं शहदा कारसाज का, वो PDM के एजेंडे पे नहीं आ रहे हैं, वो नवाज शरीफ के जो बयानियाँ हैं उसको इंडोर्स करने नहीं आ रहे, वो उस बयानिया के साथ नहीं जुड़ रहे। PDM की जो एजेंडा है उस एजेंडे को इंडोर्स करने के लिए, उस बयानिया को सुनने के लिए वो नहीं आ रहे। और आप अंदाजा लगाएं कि गुजरांवाला से लेके गुजर नाला कराची तक जो उनका जो जलसे हैं, जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि वहां पे भी उनको नाकामी का सामना रहेगा। पहले हमने कहा कि पंजाब से PMLN भाग रही है और टाइम बाय कर रहे थे क्वेटा में जलसा मुनक्किद करने के लिए, और फिर तीन दफा जब उन्होंने तारीखें मुलतवी की बलूचिस्तान के जलसे का, तो ये वाज़े पैगाम था हम सब के लिए, हम सब समझ गए
कि वो यहाँ पर जलसा मुनक्किद नहीं कर सके। और फिर गुजरांवाला में भी आपने देखा कि वहाँ पे भी उनके पास ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। और जब पहले ही जलसे में जब मोमेंटम जनरेट नहीं होती तो फिर उसका इम्पैक्ट जो तमाम आगे ये जलसे करेंगे उस पर पड़ना शुरू होगा। और आज भी आप देखेंगे कि गुजरांवाला का जो जलसा है उसका जो नेगेटिव जो रेमिफिकेशंस हैं वो आज के जलसे पे पड़ेंगे। गो के आज के जलसे में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट उनकी है, और उन्होंने तो कहा है कि मास्क और सैनिटाइज़र फराहम करेंगे, लेकिन मास्क के पीछे जो वसाइल वो फाइनेंस कर रहे हैं गवर्नमेंट और स्टेट मशीनरी को मोबिलाइज करके और लोगों को वहाँ पर पहचाने की कोशिश करेंगे, वो फाइनेंसेस तो अभी तक मास्क के पीछे हैं, वो तो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे। लेकिन इस तमाम के बावजूद आप देखेंगे कि आज का जो पार्लर शोर है वो शोर ही रहेगा। और उस शोर में वो एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, मीडिया को बताएंगे, सबको बताएंगे, तस्वीर कुछ इस तरह दिखाएंगे मुख्तलिफ एंगल से कि जलसा कामयाब हुआ। हालांकि जलसे की कामयाबी के इम्कान हमें नज़र नहीं आते। तो इस सिलसिले में जो PDM है वो मुसलसल बहाने तलाश कर रही है, जलसों से भाग रही है। और शोधा कारसाज का मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इसी दिन बीबी साहिबा जब तशरीफ लाई, इन्हीं कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी और उन्हीं के कारकुनों की कुर्बानियों की बदौलत फिर उस वक़्त भी मियां नवाज शरीफ को रास्ता मिल गया था वापस आने का। कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने दी और उसका फ़ायदा मियां साहब ने उठाया। और अब भी अगर वो वापस आना चाहेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं या पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो उसको यूटिलाइज़ करके उनके कुर्बानियों पर और उनके कंधों पर बंदूक रख के वो वापस आना चाह रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को ये समझना चाहिए, पहले भी जब इन्हीं जमातों ने आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया तो कितना अरसा उसके साथ चल सके। जब 2008 के इंतखाबात के बाद PMLN और पीपल्स पार्टी का जब कोलिशन बना तो कितना अरसा वो कोलिशन चल सका। शहबाज शरीफ साहब जब कोलिशन ही के चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब हुए तो फिर जरदारी साहब ने कितना अरसा उसको बतौर चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त किया। और बाद हजां उनकी जो वजारत आला उसको ख़त्म करके गवर्नर राज वहाँ पर नाफिस किया गया। तो ये गैर फितरी इतिहास है, मुख्तलिफ इनके एजेंडाज हैं, मुख्तलिफ इनकी बातें हैं, उसमें अमांगी नहीं है। और पीपल्स पार्टी जब PDM में ये कहते हैं कि 2018 के इंतखाबात रिग हुए थे या वहाँ पे मैंडेट चुराया गया था, तो पीपल्स पार्टी को तो सिंध में 2013 के मुकाबले में 12 नशिस्तें ज़्यादा मिले और उनके वापस हुकूमत कायम हुई पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ। तो पीपल्स पार्टी तो आज गवर्नमेंट में है और उन्हें अपने परफॉर्मेंस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और मैं बड़े एहतराम के साथ कहूँगा कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती, आवाम उनके साथ जुड़े होते, तो आज शोधा कारसाज के खून पे वो सियासत न खेलते और आज ही के दिन को वो इस जलसे के लिए मुकर्रर ना करते। और आज ही के दिन जो वहाँ पर मोबिलाइजेशन अगर की भी जा रही है तो शोधा कारसाज के नाम पे। लिहाजा मैं आखिर में एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आज का जो कराची का जलसा है उसमें जो चंद वर्कर्स आएंगे, जो चंद लोग आएंगे सिंध से, वो PDM के जलसे में नहीं आ रहे हैं। वो जो है शोधा कारसाज को अकीदत पेश करने आ रहे हैं और जो हर साल आते हैं। मैंने 1 अक्टूबर को यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जलसों से भाग रहे हैं, इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। और हमारी खुशी में उस वक्त इजाफा हुआ जब इन्होंने खुद इंडोर्स करते हुए बार बार क्वेटा के जो जलसे हैं उसके डेट उन्होंने मुलतवी किए। डेट मुलतवी करने का एक ही मकसद है कि जो हमने कहा था
जो हमारा नुक्ता नज़र था उसको उन्होंने सच साबित किया। और फिर जब हमने ये कहा कि पंजाब में भी इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, पंजाब में भी कोई बड़ा जलसा मुनक्किद नहीं कर सके, तो फिर परसों वो भी साबित हुआ। हम उस पर भी खुश हैं कि हमारा जो बयानिया है, जो हमने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके साथ खड़ी है, फेडरल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके साथ खड़ी है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेकानिज़म हम डेवलप कर रहे हैं, जो मुल्क को एक बेहतर ट्रैक पे डाला जा रहा है, हमने पहले कहा कि अवाम हमारे साथ खड़ी है और परसों भी साबित हुआ, आज भी। अभी आप देखेंगे चंद घंटे बाद आखिर में कायदीन को आप देखेंगे कि खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे होंगे। तो ये हमने पहले कहा था, ये हम अब कह रहे हैं। आज दूसरा जलसा है, इंशाल्लाह हफ्ते बाद क्वेटा में जलसा होगा, सामने आ जाएगा आपका कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। और मुझे तो अब भी डर है कि कहीं 25 अक्टूबर के जलसे को मज़ीद ये जो है मुलतवी न करें। और KPK का इन्होंने 22 नवंबर को रखा है, यानी बीच में एक महीने का गैप, तो इसका क्या मतलब है? बस इससे कबल भी तरीके होती रही, APDM में 32 जमातें थी, 32 जमातें, और 32 जमातों ने मिलकर भी उस वक्त के गवर्नमेंट को नहीं ला सके थे, आज तो 11 हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो उनका एजेंडा है, जो इदारों के साथ तसादुम का एजेंडा है, और जो यहाँ जो इस मुल्क की जो अशराफी है, पॉलिटिकल अशराफिया, जो इलीट है, वो पावर में वापस आने के लिए, अपने वसाइल, अपने पैसों को बचाने के लिए, अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए हवाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। गो के हवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं, हवाम उनके नरेटिव को बाय नहीं कर रहा, आवाम उनको रिजेक्ट कर रहा है, जो गुजरांवाला में साबित हुआ, और इंशाल्लाह गुजरनाला शहर कराची में भी आज वो साबित होगा। आप सब देखेंगे, सिर्फ चंद घंटों की बात है कि हम रोज अवल से कह रहे हैं कि कोयटा, अब सिंध की हद तक सिंध गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वो मास्क और सैनिटाइज़र फराम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उसको फिर मेक श्योर भी करें, और उसकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उन तमाम आस्पेक्ट्स को, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट खसूसन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, वो कोविड के हवाले से बड़ा उनका एक स्ट्रॉन्ग उनका स्टांस रहा है, SOPs पे अमल दरामद ऑब्जर्वेशन के हवाले से उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है। तो हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि ये मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से लोग जा रहे हैं, यहाँ से भी कुछ लोग गए होंगे, तो वहाँ पर इन्फेक्ट होकर फिर वापस जब आएंगे यहाँ पर ये बीमार होंगे, कोरोना फैलेगा, और फिर बलूचिस्तान को वसाइल लगाने पड़ेंगे, और वसाइल जब लगाने की बात आती है, कोरोना के तदारुक की बात आती है, तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपने किटी से, अपने एक्सचेकर से हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उस वक्त फिर सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी नहीं होती, उस वक्त PMLN हमारे साथ खड़ी नहीं होती, उस वक्त दीगर जमातें हमारे साथ खड़े नहीं होते। और जब जलसे का इस तरह का वक्त आ जाता है तो फिर तमाम लीडरशिप को बलूचिस्तान की याद सताने लगती है। जब हम बर्फ़ और बारिशों में, सैलाबों में हम फंसे होते हैं, उस वक्त कोई हमदर्दी का बयान भी नहीं देता, और जब जलसे की बारी आती है सबसे पहले वो कोयटा को नॉमिनेट करते हैं। और हमने तो ये साबित किया, आप भले नॉमिनेट करें, भले आप कोयटा में अपने जलसे का वक्त मुकर्रर करें, लेकिन चूंकि हवाम हमारे साथ है, हम आवाम को जानते हैं, और आवाम आपके साथ नहीं थे, आपने दो दफ़ा उसको मुलतवी किया और तीन मुख्तलिफ डेट्स आए, तो इंशाल्लाह जब डेट्स हमने आपको कहा था कि आपने गलत तायुन किया है, और इसी तरह हम कह रहे हैं कि जलसागाह के लिए भी आपने वक्त और जगह गलत तायुन किया है, बलूचिस्तान के आवाम आपके साथ नहीं है, और इस जलसे में भी गुजरांवाला की तरह आपको मायूसी होगी, कि वो कोई ऐसी सूरतयाल होगी उस पर ज़रा हम अपडेट रखेंगे, लेकिन बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जो सिक्योरिटी की सूरतयाल है, उसको देखते हुए कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि खुदा न ख्वास्ता, हम तो कहते हैं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा वाकया खुदा ना करे, लेकिन बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरतयाल है आपके सामने, क्या हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो SOPs पे अमल करें, ऐसा ना हो हम उनको जो है सैनिटाइज़र दें, मास्क दें, वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करें, और हमारे फिर इंतज़ामिया वहाँ पर कोशिश करेगी कि सैनिटाइज़र और मास्क का जो हमने उनको फराम किया उसका इस्तेमाल करें, आगे से वो जो है इसी को मुदाखलत इंटरफेयर ही ना समझें और उस पर बहानेबाजी बनाने शुरू कर दें। तो हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोयटा के जलसे में हमारे बलूचिस्तान के लोग बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे, मैं पहले बताता हूँ बहुत कम होंगे, क्योंकि 2013 में जो मैंडेट आया है, जो आवाम ने यहाँ पर मैंडेट दिया है, उसी की बुनियाद पे असेंबली में जमातों की जो रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक, तो उसी बुनियाद पे आएगी,
और हमें पता है कि यहाँ पर बलूचिस्तान की बड़ी बड़ी जमातें जो विद इन 48 आवर्स के काल पे यहाँ पर क्वेटा में जलसे मुनक्किद किया कराया करते थे 4-6 साल पहले, वो आज 1.5-1.5 साल 2-2 साल बाद भी एक जलसा मुनक्किद नहीं कर सके हैं और वो आज भी नहीं कर सकेंगे। तो इसमें जो लोग आएंगे, लोग वही हैं, आप आज देखेंगे गुजरांवाला के जलसे में बहुत सारे लोग जो मौलाना साहब के साथ गए थे, दीगर लीडरशिप के साथ गुजरांवाला गए थे, अब वही बेचारे कारकुनों उनको तका के वहाँ से अब उनको आज कराची लाया जाएगा, कराची के बाद उनको क्वेटा लाया जाएगा। और फिर ये जो लोग वहाँ पर मुख्तलिफ भीड़ की शक्लों में इकट्ठे हो रहे हैं जलसों में, ज़ाहिर ये कोरोना से इन्फेक्ट होंगे, कोरोना से मुतासर होंगे। तो ये कोरोना पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ ये ट्रैवल करते जा रहे हैं, कोरोना साथ साथ अपना ये कैरी करेंगे। और हमें खदशा है कि क्वेटा में जब ये आएंगे तो अभी हमारा जो जो केसेस हैं हमारे 20, 22, 18, 19 इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, एक डिक्लाइन है। इसके बाद आप देखेंगे कि कोरोना जो है इनकी वजह से कितना बढ़ जाएगा। तो उस पर हम अपील करते हैं, चूँकि शहरी सब इस मुल्क के हैं, सब हमारी उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी, उसका हम कदर करते हैं, वो एस ओ पीज का ख्याल रखें। हमारी बहन है, हमारी बहन है, वेलकम। पहले भी मैंने कहा था कि वेलकम, एहतराम ख़वातीन का अपनी जगह, सब हम एहतराम करते हैं, तमाम कायदीन का, पॉलिटिकल लोग हैं और बलूचिस्तान गवर्नमेंट पॉलिटिकल नॉर्म से जो है हम मुकम्मल यकीन रखते हैं। लेकिन हमारी जो बहन तशरीफ़ ला रही हैं, मरियम बीबी, आपने कहा कि आप ख़वातीन का एहतराम करते हैं, हम यकीन है एहतराम करते हैं, लेकिन ख़ातून साहिबा से गुजारिश है कि वो भी बलूचिस्तान के आवाम का एहतराम करें। ख़ातून बीबी से भी हमारी ये गुजारिश है कि वो जब यहाँ पर आएँ तो अपने जलसे में बलूचिस्तान के आवाम पर फिर ये तंज ना करें कि बलूचिस्तान वालों क्या आप उर्दू समझते हैं, तो हमें डर है इस दफ़ा कोई और तंज वो ना करें। तो ख़ातून बीबी से भी हमारी गुजारिश है, हम सब का एहतराम करते हैं और यही तवक्को रखते हैं कि उनकी तरफ से भी एहतराम ही होगा। मेरे ख्याल 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोग हम तवक्को नहीं कर रहे।